योर विजन माई मिशन को लेकर के हमारा कैंडिडेट हमारे मित्र है एलिंग तलंग जी तेन सपा के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो इसमें ये हम कहना चाहेगा कि क्लियर कट यहाँ एक मुहिम ये चला रहा है हमारा जो ओपोनेंट है कि यहाँ क्रिश्चियन को डिप्रेप किया गया है, रिलीजन बेस में दिया गया है टिकट, ये सारा सर झूठ है। यहाँ जितना भी हमारा इस कमिंग से आप देखिए एलके यंगफो जी वो एक प्रोमिनेंट क्रिश्चियन से बिलोंग करता है, देन डोमिनिक तादर हम अच्छे डोमिनिक तादर भी क्रिश्चियन से बिलोंग करता है, देन ये ओजिंग तासंग बहुत सारा लोग ऐसे जो क्रिश्चियन से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ फेसबुक में ये वायरल कर रहा है कि पार्टी बेस्ड जो आपका जो विनेबिलिटी को नहीं देख के यहाँ में जो टिकट जो है आपका क्रिश्चियन को अगेंस्ट किया, इस तरह का बहुत सारा आवाज़ उठा रहा है, ये सारा सर झूठ है। और जनता को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये इस बात पे नया ना आए और हमारा जो नरेंद्र मोदी जी का उस नेतृत्व में सेंट्रल में उसके बाद में स्टेट में हमारा तैपिर गांव जी और पेमा खंडू जी के नेतृत्व में अमित शाह जी का नेतृत्व में जितना भी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है और जितना भी जो समाज है जो डेवलपमेंट का आगे बढ़ रहा है सबका विकास सबका साथ सबका विकास को लेकर के हम सबको इस बार बीजेपी को जिताना है और हमारा ये जो एलिंग तलंग जी हमारा जो मित्र है उसको जैसे भी करके हम लोग बीजेपी का एमएलए बना के लाएगा। इंटेलेक्चुअल के हिसाब से मेरे मन में ऐसे लगा कि पब्लिक ने ऐसे हमको मौका दिया है, मतलब वेलकम किया है कि हमको वहाँ सेवा करने के लिए दिया है, इसलिए मैं अपना एक नौकरी को निर्णय लिया है कि लाइफ में कुछ नहीं है कुछ नहीं ले जाता है, इसलिए मैं सोचा है कि इस दुनिया में रहना है तो पब्लिक को सेवा करना चाहिए बोल के मैं अपना नौकरी को मतलब निर्णय लिया है, टेंडर किया है रिजाइनेशन। अब मैं इस जनता के लिए काम करने जा रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर्स में जो पब्लिक डिप्राइव होकर बैठा है, जो मतलब एक डेवलपमेंट का मैंटेलिटी में जो हमारे एमएलए साहब जो नहीं किया है, मैं कोशिश करेगा, पब्लिक मेरे साथ विश्वास है कि एक एलिंग कुछ कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये पब्लिक का भरोसा को हम एक देख के हम अपना रिजाइनेशन टेंडर किया था। और मैं मेरे टेन ई सपा का जनता को ये मैं आपके द्वारा से मीडिया का द्वारा से मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक यंग लीडर का हिसाब से एक विजनरी लीडर के हिसाब से एक कि मतलब जहां में मोदी साहब की एक सबकी विकास के हिसाब से सबके साथ सबके विकास के हिसाब से मैं एक यंग नेता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने मैं उम्मीदवार बनाया, मैं उनके लिए हमारे यंग एनर्जेटिक लीडर श्री पेमा खांडू जी को मैं धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारा जो स्टेट का प्रेसिडेंट है तापिर गांव जी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जहां तक कि पार्लियामेंट बोर्ड में मेरा नाम वहां रिकमेंड करके मतलब बहुत ऐसे बीजेपी का क्लीन एक हिसाब से हमको वहां पे मतलब रिकमेंड किया, मैं आप सबका माध्यम से मैं और हमारा तेनी सपा के ओर से मैं धन्यवाद देता हूं कि अब मैं मतलब आने वाला विधानसभा में मैं एक क्लीन एक यंग नेता के रूप में मैं काम करेगा, हमारा तेनी सपा का जनता के हित के लिए हम काम करेगा। और मुझे विश्वास है ये बात जो है मुझे एक क्लीन एक विजनरी मतलब लीडर के हिसाब से मेरे को मतलब उम्मीदवार बनाया कि आने वाला जो 11 अप्रैल में जो वोटिंग होगा मैं मेरा पब्लिक को यही मतलब जनता को यही मेरा पक्ष में जो भी जनता है उनको मैं उम्मीद करता हूं कि हमको बड़ा एक वोट मार के हमको अच्छा से अच्छा वोट मार के हमको जिता के लाएगा।